हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द डेस्क देवा इंग्लिश स्पोकन क्लास। फ्रेंड्स, पिछली क्लास में मैंने आपको हैज हैव के नेगेटिव इंटरोगेटिव और क्वेश्चन बताया था, ठीक है फ्रेंड्स। तो लगे हाथ पिछली क्लास में दिए हुए होमवर्क के आंसर भी देख लेते हैं, ओके फ्रेंड्स। तो ये रहा, आपने अगर बनाया है तो अच्छी तरह से आप इसको मैच करके जहाँ पर भी गलती होगी आपकी वहाँ पर सुधार लेना, ओके फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, सो टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू अबाउट द हैड, ओके फ्रेंड्स। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास ऑफ द डे। फ्रेंड्स, हैड क्या है? हैड इज द हेल्पिंग वर्ब जो हैज हैव का पास्ट है, ओके फ्रेंड्स। तो इसमें कोई भी मुश्किल वाली बात नहीं, आप ये मत सोचना हैड क्या होता है, हैड का इस्तेमाल कैसे करते हैं, बहुत ही सिंपल चीज है। जहाँ पर भी इंग्लिश में जिस जगह पर भी हम हैज हैव का इस्तेमाल करते हैं, वो हैज हैव का इस्तेमाल हम कब करते हैं? प्रेजेंट टेंस के सेंटेंस के लिए। तो अगर उसका पास्ट होगा तो हैज हैव की जगह हैड हो जाता है, ओके फ्रेंड्स। जो भी इससे पहले आपने पास्ट वाले सेंटेंसेस बनाई है, जहाँ पर भी हैज और हैव का इस्तेमाल हुआ है वहाँ पर हैड का इस्तेमाल कर देंगे तो पास्ट हो जाएगा। यानी कि मेरे पास पेन है तो आई हैव पेन, मेरे पास पेन थी तो आई हैड पेन हो जाएगा, ओके फ्रेंड्स। उसके पास कुत्ता है, ही हैज़ डॉग, उसके पास कुत्ते थे तो ही हैड डॉग हो जाएगा, ओके फ्रेंड्स। बहुत ही सिंपल है, हैज और हैव की जगह हैड लगाना है, और इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है। उसमें एक ये भी समझना था कि हैज कहाँ लगाना है और हैव कहाँ लगाना है, लेकिन इसमें सबके साथ हैड ही लगाना है। अगर पास्ट टेंस वाले सेंटेंस हो, हैज हैव वाली यानी पास वाली, तो उसमें हम सबके साथ हैड ही लगाएंगे, ओके फ्रेंड्स। तो अभी हम सेंटेंस बनाते हैं, मेरे पास किताब थी, तो थी है, अगर है होता तो हैव हो जाता है, लेकिन थी है इसलिए हैड लग जाएगा, आई हैड बुक, ओके फ्रेंड्स। उसके पास पैसे नहीं थे, उसके पास पैसे नहीं थे, ये नेगेटिव हो गया। तो एक सिंपल वे है जो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लिखते हैं, ही हैड नॉट मनी, या ही हैडंट मनी भी बोल सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में, कि ही हैडंट मनी। और दूसरा जो फॉर्मूला है इसका, वो डिड लगाकर, हम प्रेजेंट में डू और डज लगाकर बना रहे थे, यहाँ पर डू और डज का पास्ट यानी कि डिड, डू और डज का पास्ट डिड होता है, तो वहाँ पर हम डिड लगाकर बनाएंगे, ही डिड नॉट हैव मनी, लेकिन यहाँ पर हैव लग जाएगा, हैड नहीं रहेगा, ठीक है। जब हम डिड से बना रहे हैं फिर यहाँ पर हैड नहीं रहेगा बल्कि यहाँ पर हैव लग जाएगा, और सबके साथ हैव ही लगेगा, किसी के साथ इसमें हैज नहीं लगता, पास्ट टेंस में हैज नहीं लगता, ओके फ्रेंड्स। क्या आपको बुखार था? तो यहाँ पे पहला जो है हेल्पिंग वर्ब पहले लगाकर बनाएंगे कि हैड यू फीवर, या दूसरा है डिड यू हैव फीवर, डिड लगाकर बना देंगे, ओके फ्रेंड्स। एक बार फिर से बोल रहा हूँ कि यहाँ पर हैव लगेगा, आप हैड मत लगा देना। काफ़ी लड़के डिड लगाकर भी यहाँ पर हैड लगा देते हैं, यहाँ पर डू लगाकर फिर यहाँ पर हैड लगा देते हैं, ओके फ्रेंड्स। लेकिन ऐसे बनेगा डिड यू हैव फीवर, क्या आपको बुखार थी, यानी आपको बुखार था। आपको कार कब थी, यानी कि आपके पास कार कब थी, ओके फ्रेंड्स। ऐसा भी हम बोलते हैं कि आपको कार कब थी, या आपके पास कार कब थी, तो when had you car, या अगर हम इसको did से बनाते हैं तो when did you, फिर यहाँ पर have आएगा car, when did you have car, ओके फ्रेंड्स। आपको इसमें कुछ भी कंफ्यूज नहीं होना है, कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है इसमें, क्योंकि यहाँ पर डिड अगर लगाकर बनाते हैं तो सबके साथ डिड ही लगेगा, अगर हैड लगाकर बनाते हैं तो सबके साथ हैड ही लगेगा। इसमें कोई भी ऐसा कंफ्यूजन वाला बात नहीं है कि किसके साथ डिड और किसके साथ हैड, ऐसा कुछ नहीं है, ओके फ्रेंड्स। सो अभी प्रैक्टिस करते हैं, ओके फ्रेंड्स। जो भी मैं प्रैक्टिस के लिए सेंटेंसेस बोलता हूँ, क्या आपको ये वे अच्छा लग रहा है, आपके लिए फ़ायदेमंद हो रहा है, मुझे कमेंट करके बताया कीजिए। आप लोग कमेंट करते नहीं हैं, आप वीडियो देखते हैं, एक मिनट डेढ़ दो मिनट देख के बाहर निकल जाते हैं। पता नहीं आप लोग किस तरीके से सीखना चाहते हैं, लगता है आप जादू की पुड़िया कोई ढूंढ रहे हैं जो घोल के पी जाए और इंग्लिश आ जाए। ये बहुत ही अच्छा वे है, इस वे से मैंने काफ़ी लड़कों को इंग्लिश सिखाया है और आज वो कामयाब है, ओके फ्रेंड्स। सो प्रैक्टिस शुरू करते हैं। उसे कार थी, यानी उसके पास कार थी, तो ही हैड कार।
उसे कार नहीं थी, यानी उसके पास कार नहीं थी। ही हैडंट कार या ही डिड नॉट हैव कार। क्या उसके पास कार थी, हैड ही कार, या डिड ही हैव कार। उसके पास कार कब थी, व्हेन डिड ही हैव कार। मेरे भाई को बुखार था, माई ब्रदर हैड फीवर। मेरे भाई को बुखार नहीं था, माई ब्रदर हैड नॉट फीवर, या हैड नॉट को साथ में बोलते हैं हम तो हैडंट हो जाएगा, यानी शॉर्ट फॉर्म माई ब्रदर हैडंट फीवर। दूसरा तरीका, माई ब्रदर डिड नॉट हैव फीवर, या माई ब्रदर डिंट हैव फीवर। ओके फ्रेंड्स, उस आदमी के पास चाकू था, दैट मैन हैड अ नाइफ। उस आदमी के पास चाकू नहीं था, दैट मैन हैडंट नाइफ, या दैट मैन डिड नॉट हैव नाइफ। क्या उस आदमी के पास चाकू था, हैड दैट मैन अ नाइफ, या डिड दैट मैन हैव नाइफ। उस आदमी के पास चाकू क्यों था, व्हाई हैड दैट मैन नाइफ, या व्हाई डिड दैट मैन हैव अ नाइफ। तुम्हारे पिताजी के कितने नौकर थे, यानी कि तुम्हारे पिताजी के पास कितने नौकर थे, तो हाउ मैनी सर्वेंट्स हैड योर फादर, या हाउ मैनी सर्वेंट्स डिड योर फादर हैव। क्या तुम्हारे बहन के पास खिलौने थे, हैड योर सिस्टर टॉयस, या डिड योर सिस्टर हैव टॉयस। किसके पास इंग्लिश की बुक नहीं थी, हु हैडंट इंग्लिश बुक। ओके फ्रेंड्स, या हु हैड नॉट इंग्लिश बुक। आप शॉर्ट फॉर्म में बोलिए या फुल फॉर्म में बोलिए, दोनों एक ही हुआ, बट ज़्यादातर लोग शॉर्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। ओके फ्रेंड्स, किस लड़के के पास मैथ की किताब नहीं थी, विच बॉय हैड नॉट मैथ बुक, या विच बॉय डिड नॉट हैव मैथ्स बुक। कितने लोगों के पास पानी के बोतल थे, हाउ मैनी पर्सन्स हैड वाटर बोतल, या हाउ मैनी पर्सन्स डिड हैव वाटर बोतल। ओके फ्रेंड्स, किसके पास हिम्मत थी, हु हैड करेज। किसको हिम्मत नहीं था, हु हैडंट करेज। ओके फ्रेंड्स, इस तरीके से आप भी सेंटेंस क्रिएट करके आप प्रैक्टिस करो, बहुत ही अच्छा वे है। आप किसी भी एक, जैसे मैंने एक फॉर्मूलेशन बताया, एक सेंटेंसेस का फॉर्मूलेशन मैं बताता हूँ। ओके फ्रेंड्स, कि हेड लगाकर पास वाले सेंटेंसेस को ऐसे बनाते हैं, उसके बाद आपको अच्छी तरह से समझ में भी आ जाता है। फिर उससे संबंधित आप 10, 20, 50 सेंटेंसेस प्रैक्टिस कर डालिए, आप फिर उसके बाद दोबारा भूलेंगे नहीं उसको, क्योंकि आप उसको यूज़ करने लग जाएंगे। हाँ, यूज़ करना भी ज़रूरी है, आप उसको यूज़ करते रहिए, फिर उसके बाद आपको सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब भी इस तरह के सेंटेंस आएंगे जिसकी आपने प्रैक्टिस की है, जब भी इस तरह के सेंटेंसेज आपके जहन में आएगा बोलने के वक्त, आपके मुँह से अपने आप इंग्लिश में निकलेगा, वो खुद ब खुद, आपको दिमाग पर जोर देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके फ्रेंड्स, फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए और कमेंट भी किया कीजिए। और फ्रेंड्स, जिनको इंग्लिश सीखना है और जिनको इंग्लिश सीखने की ज़रूरत है, उन लोगों तक हमारा वीडियो शेयर भी किया कीजिए। ओके फ्रेंड्स, तब तक हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक्स अ लॉट एंड धन्यवाद।